बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो तुम, एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो, हर एक लम्हे से तुम मिलो खोले अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समा देखे ये निगाहें, जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। तो आइए सिर्फ जिंदा ही नहीं, जिंदा दिली को भी आकार देते हैं और चलते हैं राजकुमारी चंद्रकांता के उस ऐतिहासिक किले पर जिसे हम विजयगढ़ का किला भी कहते हैं। इतिहास बीते कल से आने वाले कल का निर्माण करता है, जिसकी बुनियाद वर्तमान में रखनी पड़ती है। देवकीनंद खत्री के प्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता में राजकुमारी चंद्रकांता का किरदार कोई किंवदंती नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है और उसी सच के वास्तविक रूप को आपके मस्तिष्क पटल पर रखने हेतु हम आपको लेकर आए हैं। इस बात का गहरा दुख और अफसोस होता है कि हमारा आज शासन प्रशासन की उपेक्षा का शिकार होकर एक ऐतिहासिक किला खंडहर बन मानो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा हो। पर आइए इन्हीं खंडहरों में हम इस तिलस्मी किले का सच ढूंढते हैं और जानते हैं इसका इतिहास के सच्ची दास्तान। सात समंदर पार ही क्यों न, इसी खूबसूरती और अनोखेपन को समेटे हुए सोनभद्र जनपद का विजयगढ़ दुर्ग, यहाँ का वैभव कैसा रहा होगा दुर्ग का जर्रा जर्रा आज बयां करता है। देखने वाले अपलक निहारते रहते हैं और ढूंढते रह जाते हैं उस चंद्रकांता को जिसे देवकीनंद खत्री ने अपनी रचना चंद्रकांता संस्कृति में उकेरा है। उसके साथ दुर्ग में वही वीर गाथाओं की धरोहर को भी लोग बरबसी नहीं भूल पाते, यही कारण है कि साल दर साल यहाँ पर्यटन प्रेमी किसी न किसी रास्ते से यहाँ पर आते ही रहते हैं। दरअसल यह विजयगढ़ दुर्ग चार राज्यों मध्य प्रदेश बिहार झारखंड व छत्तीसगढ़ राज्यों के सीमावर्ती जनपद सोनभद्र में है। यह दुर्ग वीर गाथा अयारों की अनसुनी कहानियों व तिलिस्म के खजाने से भरपूर विजयगढ़ दुर्ग एक ऐतिहासिक किला है। महाभारत काल से लेकर अंग्रेजों की गतिविधियों का साक्षी यह किला कई रहस्य समेटा हुआ है। यहाँ आस्था रहस्य और रोमांच से भी भरपूर है। गंगा जमुनी तहजीब का प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ देखने को मिलता है। कुल मिलाकर पर्यटन के दृष्टिकोण से यह स्थान सोनांचल का महत्वपूर्ण स्थल है। बावजूद इसके पर्यटन विभाग व जिला प्रशासन की उपेक्षा का यह दंश आज भी झेल रहा है। यहाँ कुछ व्यवसाय हो जाए तो तिलिस्म के खजाने वाला यह किला सोनभद्र का खजाना भरने में उपयुक्त भी होगा। हजारों साल पुराने इस दुर्ग का इतिहास महाभारत काल से ही जुड़ा है। कभी विजयगिरी के नाम से पहचान रखने वाले इस दुर्ग पर ऋषियों द्वारा तपस्या की जाती थी। कालांतर में यह किला बना। ऐसी मान्यता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को जब मगध पर आक्रमण करना था तो उन्होंने अपनी सेना को इसी किले पर विश्राम कराया था। यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर मगध पड़ता है जो बिहार में है। कुछ किताबों में किले की कहानी राजा चेत सिंह से जुड़ी हुई बताई जाती है। यह किला तब और भी ज्यादा सुर्खियों में आया जब 90 के दशक में दूरदर्शन पर देवकीनंदन खत्री द्वारा लिखे गए उपन्यास चंद्रकांत संस्कृति पर आधारित सीरियल चला। दोबारा इसे इन्हीं दिनों चंद्रकांता धारावाहिक का प्रसारण भी शुरू किया गया। इस दौर का रानी महल
कचहरी और महल की सुरक्षा के लिए बनी करीब 6 फीट चौड़ी दीवार आज भी जिस पर पूर्ण सिंह घोड़ा दौड़ाया करता था इस किले की आस्था से जुड़ी हुई है। हर साल यहाँ हिंदुओं का मेला लगता है तो वहीं मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पर मरीन शाह बाबा की मजार पर चादर चढ़ाने के लिए भी आते हैं। जो लोग उपन्यास कहानी पढ़ने के शौकीन होते हैं वे विजयगढ़ दुर्ग की कहानी से जरूर वाकिफ होंगे। जो लोग नहीं थे उन्हें 90 के दशक में दूरदर्शन में इसको दिखाया गया। राजकुमार बीरेंद्र सिंह के अमर प्रेम की कहानी इसी किले में है। भगवान गणेश का मंदिर और मीरन शाह बाबा की मजार महज 700 मीटर की दूरी पर है। यहाँ की दीवारें इस कदर हैं कि हजारों साल बाद भी जस की तस खड़ी है। खास बात तो यह है कि यहाँ का राम सरोवर तालाब जो सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर है गर्मी के दिनों में भी यह कभी नहीं सूखता। इसकी गहराई के बारे में आज तक कोई इसका पता नहीं लगा पाया है। नौगढ़ व चुनारगढ़ के लिए गुप्त रास्ता इसी महल के मुख्य सिंह द्वार से होकर पर जाता है जिसको देखने के लिए पर्यटक हमेशा यहां आते रहते हैं। तिलस से भरपूर इस दुर्ग का अगर कोई राज जाए तो यहां की कुछ अच्छी चीजें जरूर देखना चाहिए। मुख्य द्वार जो कई कोण में घुमाया गया है। स्थिति यह है कि यहां अगर दो लोगों को बंदूक देकर तैनात कर दिया जाए तो कोई रास्ता नहीं जो दुर्ग में प्रवेश दिला सके सिवाय हेलीकॉप्टर के। दूसरा है राम सरोवर तालाब जो 1850 फीट की ऊंचाई पर होने के बावजूद भीषण गर्मी में भी सूखता नहीं है। ऐसी मान्यता है कि यह तालाब वरुण देव का वरदानी है। इस तालाब का पानी पूर्णिमा के दिन थोड़ा ही सही पर बढ़ता जरूर है। इसके अलावा यहाँ के पुराने भवन जिसमें चंद्रकांता रहती थी उसे देखा जा सकता है। कई हजार साल पहले ऐसे तिलस्मी इस विजयगढ़ दुर्ग को देख करके आपको इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलेगा। हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि अपने अधूरी या पूरी कड़ी में हम जितना कुछ भी आपको दिखा पाए हैं वो सारी चीजें कहीं न कहीं आपको ऐतिहासिक ज्ञान का वृद्धि भी करेंगी और कहीं न कहीं आपको मनोरंजन भी देगी। उम्मीद करते हैं, विश्वास करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एडवोकेट अशोक कुमार सिंह नाम है हमारा और आप देख रहे थे एवरीथिंग पॉसिबल। बहुत बहुत आभार मित्रों।